न सिर्फ उनकी शादी लेकिन अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने आगामी हफ्तों के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई है। किसी भी अन्य सामान्य युगल की तरह दोनों ने काम और प्यार को संतुलित करने की योजना बनाई है। न्यूलीवेड दक्षिण अफ्रीका के लिए जाएंगे और कुछ समय एक साथ बिताएंगे। अनुष्का ने नए साल को विराट के साथ बिताने की योजना बनाई है, जिसमें बाद वह सुई धागा की शूटिंग शुरू करेंगी। वरुण धवन के साथ उनकी अगली यशराज फिल्म परियोजना है। न्यूलीवेड कपल दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, जहां विराट आगामी श्रृंखला के लिए तैयार हो रहे हैं और अनुष्का अपने साथ नए साल की शाम बिताएंगे और जनवरी के पहले हफ्ते में वापस लौट आएंगे और आनंद एल राय की अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ शुरू करेंगे। अनुष्का भी परी के मार्केटिंग और प्रमोशन में व्यस्त होगी, जो 9 फरवरी को रिलीज हो रही है। दूसरी तरफ विराट दक्षिण अफ्रीका में 2 महीने के लिए खेलेंगे, जिसमें 3 टेस्ट, 1 डे इंटरनेशनल, T20 और 2020 इंटरनेशनल मैच शामिल है। उनके शादी के बाद न्यूलीवेड कपल दिल्ली से वर्ली मुंबई में अपने नए घर में शिफ्ट करेंगे, जब वे दिल्ली से लौट आएंगे। अनुष्का और विराट ने इटली में एक निजी समारोह में शादी की। शादी में करीब परिवार और कुछ दोस्तों ने भाग लिया था, क्योंकि कपल ने अपने विवाहित की कामना की थी कि वह एक बहुत ही निजी मामला है। अभिनेता और क्रिकेटर ने ट्विटर पर एक सुंदर तस्वीर के साथ उनकी शादी की घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने अपने शुभचिंतकों का धन्यवाद किया, ताकि हमेशा उनकी यात्रा में उनका समर्थन किया जा सके। एक इंटरव्यू में दोनों ने कहा, आज हमने एक दूसरे से हमेशा प्रेम के अटूट बंधन में बनने का वादा किया है। हम आपके साथ इस अद्भुत खबर को साझा करने के लिए वाकई धन्य हैं। इस खूबसूरत दिन को प्रशंसकों और शुभचिंतक के साथ हमारे परिवार के प्रेम और समर्थन में और अधिक विशेष बनाया है। हमारी यात्रा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के लिए धन्यवाद।